हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आई हूँ बेगमपुर मार्केट में और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है। मैं आज सोच रही थी कि मैं मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊँ। काफ़ी दिनों से वो कह भी रही थी कि उन्हें जूते चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए सुंदर सी जूती लेके जाती हूँ। और आज यहाँ पे ट्यूज़डे में बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, तो देखते हैं शॉप पर जाके कैसी जूतियाँ पसंद आती है मेरे को। तो गाइज, मैं आई थी यहाँ पे पिंडी बूट शॉप नाम से है एक शॉप बेगम पुल पे। यहाँ पे मैंने जूतियाँ देखी तो मेरे को खास पसंद नहीं आई, तो फिर मैं गई दूसरी शॉप पे और यहाँ पे मैंने बहुत सारी जूतियाँ देखी लेकिन यहाँ पे भी मुझे पसंद नहीं आई। किसी में कलर नहीं मिल रहा था, किसी में साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर मैं तीसरी शॉप पर आई, इसका नाम था श्री नामदेव फुटवेयर्स के नाम से। यहाँ पर मुझे जूतियाँ पसंद आई और मैंने ले ली। फिर अब मैं इन्हें लेके जाऊँगी घर और देखूँगी मम्मी को कैसी लगेंगी ये। फिर मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं गई बेकरी पे और वहाँ से फिर मैंने अपने लिए और भाई के लिए कुछ खाने के लिए लिया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। फिर उसके बाद मैं गई घर। मम्मा लो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, देखो। अच्छा। हाँ देखो ना, खोल के देखो, पहले निकाल लो इसे। निकाल तो रही हूँ, छोटी लग रही है। कैसी रही है पहले ये बताओ। सही लग रही है। पहन के तो देखो, साइज तो वही है जो तुम्हारा है साइज, उस वाली जूतियों का वही है सेम। देखो ना, पहन के तो देखो। ये खुलेंगे भी, खुलेंगे फिर वैसे हो जाएंगे बिल्कुल ढीली ढीली। हाँ एक नंबर पे डाला, फिर वैसे हो जाएंगे वो बिल्कुल ढीली वाली। तो गाइस, मैं जूती लाई थी और जूती सुंदर भी बहुत लग रही थी लेकिन मम्मी को साइज नहीं आया है, तो मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी। हो रहा दिमाग खराब कि अगर यही वाला कलर सेम नहीं मिला बड़े साइज में तो और ज़्यादा बुद्धि खराब हो जाएगी। तो अब कल को देखती हूँ, कल को चेंज करके आऊँगी।